शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इलेक्शन से पहले हमारे इमेज को खराब करने की यह सब चाल है, बाकी कुछ नहीं है। सारे सबूत मेरे ही खिलाफ निकले हैं। इसने बच्चों के खाने में जहर मिलाया। अभी तो इस केस से जुड़े एक दूसरे एंगल को टच भी नहीं किया। काट के ससुर को दफन कर दे। जी महेंद्र बाबू। आज का पेपर पढ़ा? पढ़ लिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से ऑर्डर आया है आपका टिकट कैंसिल करने के लिए। क्या? जी हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। लेकिन महेंद्र बाबू, ये जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ है। टिकट तो समझिए अब आपके हाथ से गई। आप पर पूरा भरोसा है। बात को समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है हमारा कि आप कुछ करेंगे ना तो। बात को समझने की कोशिश करिए मुखिया जी। बहुत सारे लोग थे, हमने बहुत कोशिश करके आपको टिकट दिलाया, और अब तो पार्टी वाले भी मेरे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके लिए भी इमेज की बात है। ये बात बताएंगे, बताएंगे। भाई ने स्कूल मास्टर को खुलेआम धमकी दी थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहे? नाक कटा दी इसने हमरी और हमारे पूरे खानदान की। कहा नहीं कि हमारे खानदान ने स्कूल के लिए बताई? आप जानते ना सब लोग, जमीन तक दान देती तब जाके स्कूल खुला था, याद है ना सबको? कहा है इसीलिए ना, यहाँ के जितने भी सारे बच्चे वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, यही तो ना, बच्चों का भविष्य हम बेहतरीन देख सके, इसलिए तो हमने किया ना। तो फिर जब स्कूल की हालत सुधर रही थी, ये धमकी किस बात की दे रहे थे? अभी हमको कहे पूछ रहे, इससे पूछिए ना। आप बताइए किस बारे में आप मास्टर को धमका रहे थे? हम धमका नहीं रहे थे, गुस्सा आ गया। गुस्सा? काय का गुस्सा? बहुत गुस्सा था तेरे को, बहुत गुस्सा था ना। वहाँ जेल में जब चक्की पीसोगे ना तो होश ठिकाने पे आ जाएंगे तुम्हारे। भैया क्या क्या कर एक मिनट मारूं का? अरे मुखिया जी, अरे अरे मुखिया जी बैठिए। गिरफ्तार करो इसको, सरेआम गुंडागर्दी करके हमारी इज्जत उतरने पे तुला हुआ है ना, करो गिरफ्तार इसको। अरे मुखिया जी, मगर किया कहा है? अखबार पढ़ते नहीं, टीवी देखते नहीं? कब हमारे स्कूल के मास्टर, उनको धमकी दी इसने। मुखिया जी, एक धमकी के चक्कर में अमीका अरेस्ट नहीं कर सकते। बाहर जाके बड़ा कांड करके आए तभी इसको गिरफ्तार कीजिएगा। अरे ऐसा नहीं है मुखिया जी। तो जब तक इसके खिलाफ कोई हमारे यहाँ रपट दर्ज ना कराएगा तब तक हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम कर रहे, लिख लो, हम कर रहे हैं ना, लिखिए। अरे मुखिया जी, आप इतने समझदार हैं, अरे आपके नाम की कंप्लेंट पर हम इको का अरेस्ट करेंगे। तो आप एक काम करो, मास्टर का नंबर हमको दो, हम उका कॉल करके अभी यहाँ बुलाते हैं। अमित जी, अमित जी प्लीज एक मिनट, अमित जी एक मिनट प्लीज। आइए मास्टर जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित। आपने फोन किया था? आइए ना बैठिए, ये उठ उठ, आइए बैठिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। बताइए सर, ये तुमको धमकाए हैं का? हाँ, लेकिन वो तो बस वैसी खोखली धमकी थी, उसके बाद मेरी और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। देखो मास्टर जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, और मुखिया जी तो हैं ही आपके साथ फिर। जी ये तो इनका बड़प्पन है, वैसे सर मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। तो फिर ठीक है जाओ। अरे मुखिया जी, जब आपके भाई के खिलाफ कोनो कंप्लेंट नहीं है तो हम इका काय को अरेस्ट करें? तो आप ले जाओ अपने भाई को। ठीक है सर, फिर चलते हैं। अरे अमित बाबू जी, कुछ नहीं, धन्यवाद। इलेक्शन से पहले हमारे इमेज को खराब करने की यह सब चाल है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जो सच होता है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और आ ही गया ना अब सामने। लेकिन अमित बाबू, आपने और मास्टर जी ने हमारे स्कूल के लिए जो भी कुछ किया है जी,
आप दोनों के हम आभार मानते हैं सर। तुम्हारा मुंह क्यों ऐसा बना हुआ है? तका करें ऐसा हाल में नाचे का कहा हुआ तुरे हाल को? हमारे मना करने के बाद भी जिस तरह से तुमने कांड किए उससे तो हमारा मुंह बनना चाहिए था। तो जूते से मार लेते फिर मारे ना मीडिया वालों के सामने एक थप्पड़। अरे जी भर के जूते से मार लेते और इज्जत कबाड़ा कर देते हमारा। बेटा इज्जत उसी का होता है जिसके पास पावर होता है, समझ गए? एक बार विधायक बन गए तो बाद में तुम्हारा पावर का होगा ये सोच लो जरा अच्छे से। तब तक के लिए इसे हाथ पे हाथ रख के बैठे का? अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। काय की तैयारी भैया? भरोसा है ना, तो अब शांत बैठ जाओ। बार बोला मुझे फोन मत कीजिए प्लीज। तुम कॉल दें सर। पता नहीं क्यों आज तो अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? हाँ सर, कुछ खाने में गड़बड़ लग रही है। खाने में गड़बड़ लग रही है? कहाँ गड़बड़ लग रही है? आपने तो खाना टेस्ट किया है ना? हाँ। कोनो गड़बड़ लगा खाने में? नहीं। यहाँ से बनाते हैं खाना, खून पसीना एक करके। बहुत प्रेम से खिलाते हैं इन लोगों को खाना। आप बोला खाना में कोनो टेस्ट ही नहीं है, अपने बच्चे की तरह खाना खिलाते हम इन लोगों को। देखो खाना मैंने खुद टेस्ट किया है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नाटक नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम लोग खाना खाओ और दूसरे बच्चों को भी खाना खाने दो। और हाँ, खाना कोई बर्बाद नहीं करेगा। आप सबको मेरा प्रणाम। आज कुछ कहने आए हम यहाँ। आपको ये पता होगा कि अपने पंचायत में हम 4 बार मुखिया रह चुके हैं। एक मुखिया होने के नाते हमें जितना काम करना था आप लोगों के लिए उतना काम हमने कर दिखाया है। सर, सर बच्चा लोग को क्या हुआ? बच्चों को कुछ हो रहा है सर। अरे ये क्या हो रहा है? हमको चेंज को फोन करना चाहिए, वही कुछ करेंगे। शायद आप लोगों को यह पता नहीं है कि मुखिया ये जो पद है ये बहुत ही। स्कूल से पुनीता का फोन आ रहा है बार बार। हम क्या कर रहे देख रहे हो ना? अरे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चालू है। क्या प्रॉब्लम है? आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। गाड़ी निकल जा। चल। आप लोगों से माफी मांगते हैं। अभी अभी बहुत ही बुरा समाचार आया है, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिड डे मील खाते ही बीमार पड़ गए हैं। रैली छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन रैली से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमें कुछ है तो हमारे स्कूल के बच्चों की जान है। आप लोगों से विनती है कि जिन जिन लोगों के पास गाड़ी आए वो हमारे साथ चले ताकि उन बच्चों को अस्पताल ले जाने में आपकी मदद हो जाएगी। विनती कर रहे हैं।
देखिए आओ मेरे साथ। देखिए हम सही कह रहे हैं कि हम कोनो गड़बड़ी नहीं किया खाना बनाने में। आप पूछ लीजिए अमित जी से, अमित जी भी तो खाना खाए। हाँ मैंने खुद ही टेस्ट किया था, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर कुछ गड़बड़ी होता तो इन पर असर नहीं होता क्या? आप ही बताइए ना, बताइए कैसे असर होगा अगर इन्होंने सब कुछ किया है तो। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हम, बच्चों के खाने में इन्होंने कुछ मिलाया था। ये झूठ है, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे झूठ और सच का फैसला तो अदालत में होगा, फिलहाल तो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट आप हो। भोला ने हमें सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया इसने सब कुछ, क्या बताया? मास्टर जी आप काहे को टेंशन ले रहे हैं, अगर ये सही होगा तो आ जाएगा वापस। चलो हेलो। हेलो हाँ पिंकी, क्या हाल है? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी। आप यहाँ क्यों आई है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती का नतीजा है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों सारे सबूत मेरे ही खिलाफ निकले हैं, मैं खुद ही सोचकर हैरान हूँ। इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है रश्मि जी, अदालत सबूत और गवाह मानती है जो सब मेरे खिलाफ है। आप मीडिया में कितना भी शोर शराबा मचा लीजिए, लेकिन जो ये मेरे माथे पे कलंक लगा है इसको धो पाना अब संभव नहीं है। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ मीडिया रिपोर्टिंग करने आई हूँ? आई एम एडवोकेट रश्मि हजारिका, डिफेंस लॉयर फ्रॉम योर साइड। लीजिए पेपर पर साइन कर दीजिए। आप लॉयर भी हैं? हाँ, LLB के पढ़ाई के बाद 2 साल तक एक सीनियर एडवोकेट के अंडर काम भी किया था। योर ऑनर, अपने 25 साल के वकालत के पेशे में मैंने ऐसा ओपन और शट केस नहीं देखा। जज साहब, केस बहुत सिंपल है। कटघरे में खड़े ये मुल्जिम ये पागल है, ये साइकिक है योर ऑनर। जरा जरा सी बात पर ये तुनक जाता है, अपना आपा खो देता है, और इसी साइकिकनेस की वजह से इसने बच्चों के खाने में जहर मिलाया जिससे 88 बच्चे बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 6 बच्चों की जान जाते जाते बच गई, मगर 2 मासूमों की जान चली गई। योर ऑनर, योर ऑनर, ये रहा हॉस्पिटल का रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है। योर ऑनर ये देखिए, ये है वो जहर की शीशी जिसका जहर बच्चों के खाने में मिलाया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस को मुल्जिम के बैग से मिला। योर ऑनर, इस शीशी में पाए गए केमिकल का ये रिपोर्ट है। योर ऑनर, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसी शीशी के जहर को बच्चों के खाने में मिलाया गया था जिसे बच्चों ने खाया था। अरे कैसी वकील रखे हैं आप लोग, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। डोंट वरी, ये अभी तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करेगी ना तो देखना सब का बोलते बंद हो जाए। लेकिन कब? जज साहब फैसला सुना देंगे तब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, ये सच है कि उस शीशी में जो जहर है वो वही जहर है जो बच्चों के मिड डे मील में मिलाया गया था, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस शीशी में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स का निशान नहीं मिला। काफी चालाकी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए और मेरे क्लाइंट को फंसाने की साजिश की गई, और वो जहर की शीशी इनके बैग में डाल दी गई।
बैग में डाल दिया गया? ऐसा कौन कर सकता है? मैं किसी का नाम तब तक नहीं लेना चाहूंगी जब तक कि उनके खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। फिलहाल तो आपके क्लाइंट के खिलाफ सारे सबूत हैं, वकील साहिबा। कौन से सबूत? वो जहर की शीशी? जी हाँ, जहर की शीशी, वो एक अहम सबूत है। त्रिपाठी जी, आप इतने जाने माने वकील हैं, लेकिन आप इतने मैच्योर कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट ने जहर मिलाने का काम किया होता तो फिंगरप्रिंट मिटाने के बाद वो शीशी को कहीं भी फेंक सकते थे। वो अपने बैग में वो शीशी क्यों रखते? मतलब साफ है योर ऑनर, इनको फंसाने की गहरी साजिश की जा रही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूं? योर ऑनर, मुल्जिम साइकिक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बार बार मेरे क्लाइंट को साइकिक बोल रहे हैं। क्योंकि ये साइकिक है योर ऑनर, और मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ। तो साबित कीजिए ना, अदालत का वक्त खामोखा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यस योर ऑनर, मैं अदालत में कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मेरे पहले गवाह हैं हेडमास्टर दीनानाथ। हेडमास्टर दीनानाथ जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुलजिम अमित पागल किस्म का आदमी है? देखिए, शुरू शुरू में तो लगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, लगा था योर ऑनर, हेडमास्टर दीनानाथ को लगा था कि मुलजिम अमित पागल किस्म का आदमी है। पॉइंट टू बी नोटेड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर मिस्टर त्रिपाठी गवाह को अपनी बात पूरी करने से रोक रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, गवाह को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाता है। यस योर ऑनर। थैंक्स माय लॉर्ड, यू मे प्रोसीड। हाँ तो हेडमास्टर साहब बताइए। देखिए, जब ये स्कूल में आए उस वक्त स्कूल की हालत बहुत खराब थी, सिर्फ 20-25 बच्चे स्कूल आया करते थे, उसमें से भी कुछ बच्चे तो मिड डे मील खाकर भाग जाया करते थे। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि स्कूल की हालत पर कुछ काम किया जाए, उसको सुधारा जाए, तब मैंने समझा कि ये किस तरह का पागलपन है। लेकिन वाकई जो इन्होंने कमाल दिखाया उससे आज स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आया करते हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को देखें, इसमें साफ दिखता है कि स्कूल की हालत पहले क्या थी और अब क्या है। प्लीज। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि स्कूल की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। जी हाँ योर ऑनर, और ये कमाल कर दिखाया है मेरे क्लाइंट ने, जिन्हें हाथ साइकिक, मर्डरर और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। योर ऑनर, ये जो कुछ बदलाव हुआ है उस बदलाव में मुलजिम से ज्यादा स्कूल के बच्चों का योगदान है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। योगदान नहीं, शोषण कहिए, शोषण शब्द प्रयुक्त है, एक्सप्लॉटेशन। योर ऑनर, बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल आते उनसे स्कूल की साफ सफाई करवाना, दिन भर जब वो पढ़ाई करके मानसिक रूप से थक जाते हैं तो उन्हें घर जाने से रोककर उन मासूमों से मजदूरों की तरह काम करवाना, ये शोषण नहीं तो और क्या है योर ऑनर? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी, मैं खुद एज अ रिपोर्टर वहां मौजूद थी। योर ऑनर, वकील साहिबा स्वयं मुलजिम अमित के साथ उन बच्चों का शोषण करने में सहयोग दे रही थी, और मैं ये अदालत में साबित कर सकता हूँ योर ऑनर। हाँ तो हेडमास्टर दीनानाथ जी, क्या यह सच है कि स्कूल की साफ सफाई स्कूल के बच्चे ही करते थे? जी हाँ, बच्चे करते थे, बच्चों के साथ हम लोग भी करते थे, और खास तौर पर अमित। कौन क्या करता था ये सवाल नहीं है, सवाल सीधा है कि क्या बच्चे साफ सफाई करते थे? जी हाँ, करते थे। योर ऑनर, इनके स्कूल और इनके जैसे लगभग सारे प्राइमरी स्कूलों में
साफ सफाई के लिए किसी भी स्वीपर और प्यून की नियुक्ति नहीं है। इसके बाद बस तीन ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, या तो स्कूल को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया जाए। दूसरा, टीचर खुद आकर पहले पूरी स्कूल की साफ सफाई करे और उसके बाद पढ़ाना शुरू करे। या तीसरा, बच्चे मिलकर स्कूल की साफ सफाई करे। इनके स्कूल में बच्चे ही नहीं टीचर भी मिलकर सुबह साफ सफाई करते हैं, तो ऐसे में इनका स्कूल तो आइडियल स्कूल में काउंट होता है जज साहब। आइडियल स्कूल? ओहो, तो आइडियल स्कूल में बच्चों से साफ सफाई करवाया जाता है। वाह, अगर आइडियल स्कूल में ये होता है तो योर ऑनर मैं तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कभी ना डालूं। आप डालेंगे जज साहब? इस केस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, लेना देना है। जब हम और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं डाल सकते तो फिर ये आइडियल स्कूल कैसे हुआ? मैं बताती हूँ योर ऑनर, हम सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चे घर में छोटे मोटे कामों में हमारा हाथ भी बटाते हैं। ये एक संस्कार है जो बच्चों को बचपन में दिए जाते हैं। लेकिन अगर यही संस्कार एक स्कूल में दिखते हैं तो मिस्टर त्रिपाठी जैसे लोग उसको शोषण का नाम देते हैं। योर ऑनर, बच्चों से मजदूरों वाला काम करवाना संस्कार है? हाँ है, अगर बच्चों के साथ खुद मिलकर काम किया जाए तो। इससे बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। योर ऑनर, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी तरह का काम नहीं करवा सकते और इन्होंने काम करवाया। हाँ तो हेडमास्टर दीनानाथ जी, आपने बताया कि ये जो शख्स कटघरे में खड़ा है ये पहले आपको पागल लगा, फिर आपको पागल नहीं लगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कुछ दिनों से आपको भी इनके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे थे और आपने शायद वार्न भी किया था। जी नहीं, वार्न नहीं किया, मैंने इन्हें समझाया था। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से चिड़चिड़े हो रहे थे। चिड़चिड़े हो रहे थे? बच्चों से मारपीट कर रहे थे? जी नहीं। चंदन और गुल्लू नाम के बच्चे पुलिस को बयान दे चुके हैं कि इनके मारपीट के कारण उन बच्चों को चोट आई। जिन बच्चों के आपने नाम लिए वो निहायत ही शरारती बच्चे हैं। शरारती बच्चे? जी। बच्चों के शरारत के कारण आपको आजादी मिल जाती है कि आप बच्चों के साथ मारपीट करें? एक आध थप्पड़ जज्बात में आके मार दिया तो क्या करें? एक आध थप्पड़? जी। दीनानाथ जी, आपकी उम्र क्या है? 58 साल। 58 साल? शायद बढ़ती उम्र के कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। खैर, मैं आपको याद दिलाता हूं, चंदन के सिर से खून भी निकला था इनके मारपीट करने की वजह से। जी नहीं, वो एक हादसा था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए सर पीछे किया तो इत्तेफाकन खिड़की खुली हुई थी, उसका पल्ला बाहर की तरफ था, उसे सर टकराया और चोट लग गई, बस इतनी सी बात है। खून निकला था? खून निकला था या नहीं? जी हाँ निकला था, मैंने बताया आपको। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब हमारे दूसरे गवाह हैं स्कूल की रसोईया मिश्री। प्रणाम सर। हाँ तो मिश्री जी, आप पिछले 4 सालों से स्कूल में मिड डे मील का खाना बना रहे हैं। जी हाँ। आपसे पहले ऐसा कभी हुआ कि आपके हाथ का खाना बनाया खा के बच्चे बीमार पड़े हों? जी नहीं, कभी नहीं। फिर उस दिन ऐसा हादसा कैसे हो गया? वो तो हम लोगों को खुद ही नहीं पता चल पा रहा है कि ये सब कैसे हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया बनाए थे, अमित जी आए थे रसोई में टेस्ट करने के लिए खाना। ओ, इन्होंने खाना खुद टेस्ट किया था? जी। Your Honor, point to be noted. मुलजिम अमित ने मिश्री के द्वारा बनाए गए खाने को खुद टेस्ट किया था। मतलब साफ है Your Honor, खाना जो बना था उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। एक बात बताइए, आप खाना लेकर
रसोई से बाहर अमित जी के पास गए थे या अमित जी आए थे? वो तो अमित जी ही आए थे अंदर। अमित जी आए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो हम और गोपाल दरी बिछाने के लिए बाहर चले गए थे। और अमित? वो रसोई में थे। अकेले? जी हाँ। तो साफ है योर ऑनर, मुलजिम ने ही मौके का फायदा उठाकर खाने में जहर मिलाया। जी ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। तो फिर जहर की वो शीशी आपके बैग में कैसे आ गई? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कौन फंसा सकता है भला आपको? मुखिया जी और उनके छोटे भाई। मुखिया जी और उनके छोटे भाई? जज साहब, जहां तक मुझे मालूम है कि मुखिया जी उस दिन उस समय स्कूल तो छोड़िए गांव से भी दूर किसी चुनावी सभा में उपस्थित थे। जब वो आदमी वहां उपस्थित ही नहीं है तो फिर खाने में जहर कैसे मिला सकता है? जी मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं? जज साहब, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जज साहब, अब तक अदालत में ये साफ हो चुका है जो खाना बनाया गया था उसमें जहर मिला हुआ नहीं था। सिर्फ यही एक शख्स थे जो किचन में अकेले मौजूद थे। इनके पास पूरा मौका था खाने में जहर मिलाने का। दूसरी बात योर ऑनर, बच्चे जब खाना खा रहे थे ये ऑफिस में थे जहां इनका बैग था। इनको पूरा मौका था कि ये बैग में जहर की शीशी रखें। योर ऑनर, अब बात आती है मोटिव की, तो मैं अदालत के सामने वो भी साफ कर देता हूं। मिश्री जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों से ये चिड़चिड़े हो गए थे? इनका व्यवहार बच्चों के प्रति बदल गया था? नहीं, बच्चों के प्रति, सारे बच्चों के प्रति बर्ताव नहीं बदल गया था। कुछ बच्चे थे जो किसी के साथ मिलके इनको परेशान कर रहे थे। कुछ बच्चे थे जो मिलके परेशान कर रहे थे? जी। मैं समझा नहीं कुछ। इन्होंने कभी खुल के तो नहीं बताया, लेकिन बात उस दिन की है कि एक दिन क्या हुआ? नहीं मिश्री, तुम कुछ नहीं बताओगे। तुमने मुझसे वादा किया था। हमको बोलने दीजिए, वादा आपसे बढ़कर नहीं है। आज अगर नहीं बोलेंगे ना तो ये लोग आपको पागल साबित कर देंगे यहाँ पे। हाँ तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? हादसे के 3 दिन पहले अमित जी आए थे हमारे पास में, बोले थे हमसे कि माचिस दो। तो हमको लगा कि तू सिगरेट वगैरह पीते नहीं है तो काहे के लिए माचिस मांग रहे हैं। तो हम माचिस तो दे दिए, लेकिन हम इनका पीछा किए कि आखिर कहां जा रहे हैं। हाँ सर, हमें 2 मिनट में आया। का है सर? ये असली फोटो नहीं है, जाली फोटो है। दिखाओ, ये दिखाओ, हमारे हाथ में दो ना। अरे ये, हम ये फोटो दिखा करके मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी इस फोटो वाली बात को आपके अलावा और कोई जानता है जो ये साबित कर सके कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? वो नकली फोटो के बारे में। 1 मिनट, नकली और असली की बात बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि आपके अलावा कोई और जानता था इसके बारे में, जानता था या नहीं? जी जी, हमारे ख्याल से तो नहीं, लेकिन उस लिफाफे के बारे में सबको पता था। आप चाहे तो सबसे पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए राजू को उस दिन जो है घर वापस भेज दिया। अच्छा जी। सच सच बताओ, ये लिफाफा तुम्हें किसने दिया?
हम सच कह रहे सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम सच सच बता दो, स्कूल से रजिस्टर तुम ही लाते हो ना? हाँ सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, यदि तुमने सच बता दिया तो तुम्हें माफ कर दूंगा। हम सच कह रहे सर, हमें तो ये भी नहीं पता था कि रजिस्टर के अंदर लिफाफा रखा हुआ था। जो भी हो सच सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर हम पर भरोसा कीजिए, जाओ यहाँ से। लेकिन वैसा ही लिफाफा मिला फिर स्कूल में, तो सबको ये पता चल गया कि इसमें राजू शामिल नहीं है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, घिनौना साजिश है, इसके बारे में कोनो पता नहीं चल पाया है अभी, इसलिए वो बच्चों को बुला के धमकाए थे। जी ठीक है, आप जा सकते, थैंक यू। जी कहाँ जाए? इस तरफ। योर ऑनर, अब हमारी अगली गवाह हैं पुनीता जी, जो स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। पुनीता जी, आपको क्या लगता है कि खाने में जहर किसने मिलाया होगा? जी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शक तो इन्हें पड़ जाता है, क्योंकि उस दिन कमरे में इनके बाद कोई अकेले गया ही नहीं था। पानी में जहर मिलाने की वजह क्या हो सकती है? शायद वो लिफाफा जिसके अंदर का था, वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसको लेकर ये बहुत गुस्से में थे। घटना के एक दिन पहले तो इन्होंने स्कूल के सारे बच्चों को इकट्ठा करके धमकी दे डाली कि जो भी ऐसा काम कर रहा है वो सामने आकर सच सच बता दे, नहीं तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आया। जी योर ऑनर, मतलब साफ है कि कोई लिफाफे के जरिए मुलजिम को ब्लैकमेल या परेशान कर रहा था, और मुलजिम अमित को लग रहा था कि ये काम बच्चे में से कोई कर रहा है, और मुलजिम ने बच्चों को सबक सिखाने के लिए बच्चों के खाने में ही जहर मिला दिया। इतना घिनौना काम? योर ऑनर, मुलजिम के इस घिनौने काम के लिए, इस जुर्म के लिए मैं अदालत से मांग करता हूं कि मुलजिम को फांसी की सजा दी जाए। योर ऑनर, अभी तो जुर्म साबित भी नहीं हुआ और मेरे काबिल दोस्त सजा पर आ गए, लगता है बड़ी जल्दी में है आप। योर ऑनर, मैं गवाह पुनीता जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड। हाँ तो पुनीता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक साइकिक या पागल किस्म का आदमी इतनी सफाई से खाने में जहर मिला देता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता? अरे ये कोनो पागल उगल नहीं है, ये तो बहुत चालाक है, इनको गुस्सा भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत खतरनाक आता है। अच्छा, तो इनके खतरनाक वाले गुस्से की कोई एग्जाम्पल होंगी आपके पास? हाँ? क्या आप उधर क्यों देख रही हैं? आपने अभी बोला ना कि इनको बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है, तो एक दो एग्जाम्पल दीजिए, कुछ तो याद होगा। हाँ हाँ, तो बताइए। अरे वो अपने स्कूल का बच्चा है ना चंदन, उसको तो इन्होंने इतना मार मारा था कि उसके तो सर से खून बह गया था। आपको कोई एक दो और घटना याद होगी? हाँ, ये तो अक्सर बच्चों को स्कूल से घर ही वापस भेज देते थे। अरे इनका बस चलता तो वो गुल्लू का नाम ही कटवा देते स्कूल से, पता नहीं इनको उससे क्या खुंदक था। वो तो बेचारा इनके क्लासरूम से ज्यादा बाहर ही खड़ा रहता था, तनिको कुछ किया नहीं, ले जाके बाहर खड़ा कर देते थे। ठीक है, अब जा सकती है। योर ऑनर, पुनीता जी की बातों से ये साफ होता है कि अगर मेरे क्लाइंट को किसी बच्चे पर गुस्सा भी आता था तो फिर वो उनसे मारपीट करने की जगह उनको क्लासरूम से बाहर निकाल देते थे, या फिर उस दिन के लिए स्कूल से ही बाहर निकाल देते थे। यानी जो खतरनाक वाले गुस्से की वो बात कर रही थी वो बात सच नहीं है। और हाँ योर ऑनर, अभी तो इस केस से जुड़े एक दूसरे एंगल को टच भी नहीं किया। दूसरा एंगल मतलब? मतलब ये कि मुलजिम को इस केस में फंसा कर किसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। योर ऑनर,
ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो सारे सबूत और गवाह मुलजिम के खिलाफ ही है। लेकिन कोई भी सबूत या गवाह पुख्ते तौर पर ये साबित नहीं करता कि मेरे क्लाइंट ने ही ये घिनौना काम किया है। लेकिन ये जरूर साफ है कि इनके पीठ पीछे कोई साजिश रच रहा है। कौन रच सकता है योर ऑनर? मुखिया गजराज प्रताप सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू योर ऑनर। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मुखिया गजराज प्रताप सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। प्रणाम। हाँ तो मुखिया जी, आजकल आप हर चुनावी सभा के मंच पर सीना ठोक के बोलते हैं कि आपने 86 बच्चों की जान बचाई। हाँ, तो गलत है। मतलब ये सच बोल रहे हैं ना हम? जो है वो सच्चाई बताई हमने। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इससे आपको चुनावी फायदा होगा, है ना? अभी आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब बच्चों के खाने में जहर हमने मिला दिया और हमें बचाने आ गए? जी हाँ। ऐसे कैसे? लेकिन बस अंतर यही है कि आपने वो जहर खुद नहीं बल्कि किसी दूसरों के हाथों मिलवाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए इन्हें शांत बैठने का आदेश दीजिए, क्योंकि अब मैं इस केस से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर बात करने जा रही थी। कोर्ट का समय खत्म हुआ योर ऑनर। हमारी काबिल दोस्त के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर कल सुनवाई होगा। क्यों? लेकिन योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है और ये बात मैं साबित भी कर दूंगी, लेकिन अब तक इनके साइकिक होने के बाद पर इन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब तक के पेश हुए सारे गवाहों ने माना है कि ये साइकिक नहीं है। इनके मानने या ना मानने से क्या होता है योर ऑनर? मानना तो अदालत को चाहिए। गवाहों के बयान से ये साफ हो गया है कि मुलजिम साइकिक नहीं है, उसे कोई परेशान और उकसाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस केस में किसी साजिश के संभावना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये अदालत मुलजिम की जमानत की अर्जी मंजूर करती है। साथ ही अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू माय लॉर्ड। अरे संभाल के उतरिएगा। ठीक है। हाँ। ताला लगा हुआ है इधर। ताला लगा है? जी हाँ, ताला लगा हुआ है। अरे ताला लगा है इधर, कोई है का? कोई नहीं। ये कहाँ गए हुए हैं? ये लोग कहाँ गए? कहाँ गए इन लोग? काफी दिनों से ताला बंद है, नहीं आए इन लोग। कहाँ गए हुए? पता नहीं कहाँ गए, 15-20 दिन हो गए नहीं आए। 15-20 दिन से नहीं है? अरे 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 भैया, यही आओ। ये कहाँ गया ये राजू जी? होना हो ये मुखिया का फार्म हाउस गया होगा। हाँ चलिए चलिए, चलो 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 चलो। आप इधर बैठ करके दारू पी रहे हैं और उधर राजू का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ठीक हो जाएगा, मुखिया जी ने दवाई भिजवाई है ना, तू बस उसको टाइम से देती रह। हमको तो लगता है कि ये सब आपके ही पाप का फल है। सच्ची सच्ची बताइएगा, आप ही बच्चा लोग को जहर दिए थे ना? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा, हम भला ऐसा काहे करेंगे? अरे हमको मत समझाइए, हमको सब कुछ पता है। वो मुखिया के लिए ना आप कुछ हो कर सकते हैं। हाँ तो किया हमने, अब तू अपना मुंह बंद रख, इसी में हम तीनों की भलाई है। अबे तुम मुर्गी क्या नहीं खाते बे? कौन हो सकता है अभी? चल देखते हैं। चल अबे, मर गए पे पूरा गांव आया है, अब क्या करें? दरवाजा खोलो। काहे? तुम्हारे बाप का घर है का? अरे गजब बतिया रहे हो यार। हाँ देखो, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि नथुनी और उसका पूरा परिवार यहीं छुपा है, हम सब उसको लेने आए हैं। दरवाजा खोलो। चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है।
अरे कोई नहीं है तो दरवाजा खोलो ना, डर क्यों रहे हो, हम देख के तसल्ली कर लेंगे। हमें लग रहा है कि उनको सब मालूम चल गया है, और अगर अब हम इधर दरवाजा नहीं खोले तो साले पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन लेकिन अंदर बुला लिया तो ये है ना। अरे हम काहे छुपेंगे, आओ सब देख के तसल्ली कर लो। चलिए सर, चलिए सर, चलिए चलिए। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मर साहब, क्योंकि अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नथनी और उसके परिवार को इन्होंने यही छुपा रखा है। सही कह रहे आप, ए संभाल के। और अब ना तुम सब अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम सबकी जान का हत्यारा मैं हो जाऊंगा। सर वो देखिए नथुनी कहाँ। बस बस गोली चल गई है बेटा, देसी कट्टे से एक बार में एक ही गोली। खबरदार नथुनी कहाँ है रे? उका तो वो मास्टर साहब अपने साथ ले गए। छे जब वो बुढ़वा लेके जा रहा था तो क्या झाल बजा रहा था रे? आए? हट! हेलो रश्मि जी। जी आप लोग कहाँ पहुँचे? हम 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलिए, वक्त से पहले कोर्ट पहुँचना है। आज मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करने जा रही हूँ जिनके आने के बाद पूरा केस ही क्लियर हो जाएगा। तो बुलाइए ना, ऐसा गवाह बुलाइए जो पूरा केस क्लियर कर दे। क्यों अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं आप? योर ऑनर वो लोग आते ही होंगे। क्यों, आपने अदालत का समय नहीं बताया था उन्हें? योर ऑनर कोई नहीं आने वाला क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। गवाह है और वो है मुखिया गजराज सिंह का वफादार नौकर नथुनी। एक बात बताइए मुखिया गजराज सिंह का वफादार, आपका वफादार कब से हो गया? क्योंकि उसको अपनी गलती का पछतावा है। ओ, आप तो पहले ये पता करिए कि आपका गवाह अदालत में आया है या नहीं। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ फटाफट। मास्टर गाड़ी रोक दे सर, आप चलते चलो। काट देंगे कह रहे सर, संभाल के संभाल के सर। जल्दी 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 उतरो, चल उतरो जल्दी, उसकी गाड़ी बिगड़ गई। अरे अरे संभाल के निकलो निकलो बाहर। आप लोग चलिए मैं उनको संभालता हूँ। योर ऑनर उनका फोन नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि उनके जान को खतरा है। योर ऑनर लगता है कि मैडम पूरी तैयारी करके आई हैं। पहले तो इन्होंने अपने क्लाइंट जो कि केस का मेन अक्यूज है
उसका जमानत करवाया। फिर वही अक्यूज एक गवाह लेकर आने वाला था अदालत में, न अक्यूज आया न गवाह। मुझे तो योर ऑनर ऐसा लगता है कि मौके का फायदा उठाकर इनका क्लाइंट मुलजिम अमित फरार होने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है। करते मास्टर जी, अभी तक तो बकरी की तरह भाग रहे थे, अभी सांड की तरह टक्कर मारने के लिए सामने आ गए। क्या खाया है महाराज हैं, बताइए। इसका ऐसा मुंह कुचो कि इसकी अम्मा भी नहीं पहचान। पकड़ ससुर को। काट के ससुर को दफन कर दे। अरे तुम लोग जाओ, निकल जाओ। अरे मार साहब तो गिर गए, अब क्या करें। योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बिना वक्त बर्बाद किए हुए आप मुलजिम अमित को दोषी करार करते हुए भगौड़ा घोषित कीजिए। बस ये अदालत डिफेंस लॉयर को ये हिदायत देती है कि एक घंटे के अंदर आप गवाह को और मुलजिम को अदालत में पेश करें, नहीं तो मुलजिम को भगाने की साजिश में डिफेंस लॉयर के ऊपर भी केस चलाया जाएगा। यह अदालत एक घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। हमको लगता है वो लोग जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं। हम लोग चल के देखना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? हाँ, हम लोग को भी चलना चाहिए। चल गोपाल, चल, 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 चल। नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाना, हम इनके साथ चले जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चल। कैसे हैं आप? जो भी कुछ हुआ है ना यहाँ पर, उसकी वजह आप हो और इसकी सजा आपको मिलेगी, है ना? क्या बोले जज साहब? घंटा। आइए। मां साहब आप ठीक तो है ना? मां साहब उठिए। अरे जाओ, वो देखो वो चले। अरे छोड़िए छोड़िए, हमसे गद्दारी किया, हमसे गद्दारी किया तू। अरे मास्टर, कितना भागेगा रे बुढ़ौती में? आए बोल बोल। मम्मी उठो, मम्मी उठ उठ उठ, भागना उठ, भाग फट फट। जगह नहीं तो आग, क्या हुआ है? आग।
चलो भागो, आओ चलो, चलो निकलो यहाँ से, चल बैठ, बैठ जल्दी, चल चल चल, चल चल चल, आइए बैठिए जल्दी, जल्दी बैठिए। योर ऑनर, आपने एक घंटे का टाइम दिया था, डेढ़ घंटे होने को है। गवाह तो दूर, मुलजिम खुद फरार है योर ऑनर। मेरे ख्याल से अदालत को और प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, तुरंत अदालत को मुलजिम को सजा सुनाना चाहिए। डिफेंस को समय देने के बावजूद भी वो गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाई, और तो और मुलजिम को बेल करा करके उसको फरार करने में उसकी मदद की है, लिहाजा ये अदालत भी। ये रहा गवाह। जय साहब, मुखिया जी के कहने पर हमने ही बच्चों के खाने में जहर मिलाया था, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। रुको रुको, रुको। ए! चलिए बाप मुखिया को चलते हैं, चलिए जल्दी। डालो ससुर की गाड़ी। हमारी उस गलती से दो मासूम बच्चे मारे गए, हम तभी से काफी घुटन महसूस कर रहे थे जज साहब, लेकिन मुखिया जी ने हमें हमारी जोरू और बच्चे के साथ कैद करके रख दिया था। माई बाप, आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे? क्रॉस क्वेश्चन प्लीज। आप हाँ तो नथुनी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया लेकिन आपको किसी ने देखा भी नहीं? जज साहब, स्कूल का रसोई घर का खिड़की दिन में खुला ही रहता है, हमने एक लकड़ी में उस जहर का सीसी बांधकर खिड़की में से ही दाल में जहर मिला दिया था। क्या दाल खुली रखी थी? जी नहीं, पहले हमने उस लकड़ी के सहारे दाल पे रखे ढक्कन को हटाया और फिर उसमें जहर मिला दिए। और वो जहर की शीशी, वो अमित सर के बैग तक कैसे पहुंची? वो जब सब हॉस्पिटल गए थे तो ये पुनीता मैडम चुपके से स्कूल का चाबी ला के हमको दे दी थी, और हम स्कूल जाकर उस शीशी को अच्छे से पोंछ कर अमित बाबू का बैग में रख दिए थे। और उस लिफाफे या फोटोज के बारे में कुछ बताना चाहते हो जिसके जरिए अमित को साइकिक या पागल करार करने की कोशिश की जा रही थी? जी नहीं जज साहब, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बारे में ये बताएगा, अरे उधर कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी, आपको तो सही जगह पुलिस वाले लेके जाएंगे। मुन्ना छोड़ना नहीं इस पापी को। छोड़ो बाबा जी। मुखिया जी जा कहाँ रहे हो? अरे बैठो, हम बताते हैं, बैठो। जज साहब, हमने ही अमित जी को साइकिक साबित करने के लिए उनकी और रश्मि जी की फोटो बाजार से एडिट कराई थी, और उन फोटोग्राफ्स को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पुनीता जी ने हमारी मदद की थी ताकि किसी पर शक न हो, और अमित जी का गुस्सा बच्चों पर निकले इसलिए हमने चंदन और गुल्लू जैसे बच्चों का सहारा लिया जो अमित से पहले ही चिढ़ते थे। नथुनी और हेमराज उर्फ हेमू की गवाही से ये साफ हो जाता है कि बच्चों को जहर देने में मुखिया गजराज सिंह की साजिश है, और इस साजिश में उनका साथ दिया है उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता और उनके नौकर नथुनी। अमित पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है और ये आदेश देती है कि इस केस के असली गुनहगार गजराज प्रताप सिंह, उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, और नथुनी ने
जो कानून की मदद करने का सही फैसला किया है, इसलिए कानून ये वादा करता है कि नथुनी के साथ नरमी से पेश आएगा।